हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। माइक्रो इकोनॉमिक्स में प्रीवियस लेक्चर तक हमने प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम वाला टॉपिक कंप्लीट कर लिया। अब इस लेक्चर से स्टार्ट करेंगे हमारा न्यू टॉपिक, दैट इज सप्लाई। अच्छा, एक बात याद रखिएगा कि सप्लाई जो है वो डिमांड का बिल्कुल रेसिप्रोकल टॉपिक है, और जिस सीक्वेंस में और जिस स्टाइल में हमने डिमांड को पढ़ा था, सेम टू सेम स्टाइल में हम सप्लाई को भी पढ़ने वाले। आपको अगर याद हो तो मैंने पूरे डिमांड के टॉपिक को 3 पार्ट्स में क्लासिफाई किया था, थ्योरी ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इन द सेम वे हम सप्लाई को भी 3 पार्ट्स में क्लासिफाई करेंगे, थ्योरी ऑफ सप्लाई, लॉ ऑफ सप्लाई और इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। अभी हमारा सप्लाई का फर्स्ट लेक्चर है, तो इसमें हम बात करेंगे अबाउट द थ्योरी ऑफ सप्लाई। और थ्योरी ऑफ सप्लाई में क्या होता है, बेसिक कंसेप्ट ऑफ सप्लाई, कि सप्लाई का एक्चुअली मीनिंग क्या होता है, सप्लाई के डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या होते हैं, किस तरह से सप्लाई एक्चुअली डिटरमाइन होती है। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे अपील है कि अगर आप मेरा लेक्चर फर्स्ट टाइम देख रहे हैं या मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं, तो वीडियो को पूरा जरूर देखें, और उसके बाद अगर ये आपको वीडियो यूजफुल लगता है, नॉलेजेबल लगता है, तो अपने फ्रेंड्स, कलीग्स, क्लासमेट्स के साथ में शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और नए वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को हिट जरूर करें। अब बात करते हैं हमारे टॉपिक की। हमारा टॉपिक है थ्योरी ऑफ सप्लाई, ठीक है। जैसे मैंने अभी आपसे कहा कि भाई सप्लाई जो टॉपिक है ये डिमांड का बिल्कुल रेसिप्रोकल टॉपिक है। आपको याद होगा कि भाई फ्री मार्केट इकोनॉमी के अंदर दो मार्केट फोर्सेस होती हैं, जिनको हम इनविजिबल हैंड्स ऑफ इकोनॉमी भी बोलते हैं। एक होता है हमारा डिमांड एंड सेकेंड इज व्हाट, सप्लाई, ठीक है। अब ये जो डिमांड क्रिएट होती है, ये डिमांड क्रिएट होती है फ्रॉम कंज्यूमर साइड, ठीक है। ये कंज्यूमर क्रिएट करता है और यही एक्चुअली इकोनॉमी में किंग होता है। इकोनॉमी में पेस क्रिएट करने वाला जो एलिमेंट होता है वो कंज्यूमर ही होता है, क्योंकि वही डिमांड क्रिएट करेगा और उसी डिमांड को फुलफिल करने के लिए फिर सप्लाई भी होगी। और सप्लाई कौन से साइड से होती है, फ्रॉम प्रोड्यूसर साइड, ठीक है। ये प्रोड्यूसर के साइड से होती है, डिमांड कंज्यूमर के साइड से, सप्लाई प्रोड्यूसर के साइड से। अब जब हमने डिमांड वाला चैप्टर पढ़ा था, तो मैंने आपको डिमांड के चैप्टर को 3 पार्ट्स में क्लासिफाई किया था, थ्योरी ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इन द सेम वे हम सप्लाई को 3 पार्ट्स में क्लासिफाई कर रहे हैं, थ्योरी ऑफ सप्लाई, लॉ ऑफ सप्लाई एंड थर्ड वन विल बी इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। क्या पढ़ा था हमने थ्योरी ऑफ सप्लाई में, थ्योरी ऑफ डिमांड में हमने पढ़ा था व्हाट means what is the meaning of demand। In the same way यहां पर थ्योरी ऑफ सप्लाई में पढ़ेंगे what is the meaning of supply, supply actually होता क्या है। लॉ ऑफ डिमांड के अंदर हमने पढ़ा था कि प्राइस और दूसरे फैक्टर्स के चेंज होने से आपकी डिमांड कैसे या क्वांटिटी डिमांडेड कैसे चेंज होती है। इन द सेम वे प्राइस और कुछ दूसरे फैक्टर्स के चेंज होने से आपकी सप्लाई या क्वांटिटी सप्लाइड किस तरह से चेंज होगी, ठीक है। और इलास्टिसिटी ऑफ के अंदर बाय हाउ मच, कितनी चेंज होगी, वो हम पढ़ते थे। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में कितनी डिग्रीज होती है। इन द सेम वे यहां पर इलास्टिसिटी सप्लाई में हम उसमें डिस्कस करेंगे कि कितनी यहां पर चेंज होगी। चलिए फाइन, ये तो हमने इसका डिटरमिनेशन कर लिया। अब क्योंकि व्हाट कंसेप्ट की बात कर रहे हैं, तो हमें किसकी बात करना पड़ेगा, थ्योरी ऑफ सप्लाई की। तो थ्योरी ऑफ सप्लाई हमें बताएगी कि सप्लाई का बेसिक कंसेप्ट क्या है। तो देखिए, अगर आपको डिमांड, इस पूरे चैप्टर को आपको डिमांड के रेसिप्रोकल के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है, लेकिन याद रखिएगा कि पूरे चैप्टर में अक्सर मेरा जो एक्सपीरियंस है, उसमें मैंने देखा है कि स्टूडेंट सप्लाई चैप्टर पढ़ता है, लेकिन कभी कभी अपना परसेप्शन वो कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से बना लेता है। नहीं, आप जब तक सप्लाई पढ़ रहे हैं, अगर आपको इसके कंसेप्ट अच्छे से क्लियर करना है, तो आपको अपना पर्सपेक्टिव प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से ही बनाना पड़ेगा। आप खुद को प्रोड्यूसर मान करके चलेंगे, और याद रखिएगा, प्रोड्यूसर के लिए आपको, प्रोड्यूसर बनाने के लिए आपको प्रीवियस चैप्टर्स एक्सप्लेन किए गए, कंसेप्ट ऑफ कॉस्ट, कंसेप्ट ऑफ रेवेन्यू, प्रोडक्शन फंक्शन ऑफ प्रोड्यूसर से इक्विलिब्रियम, और ये बताया कि एक प्रोड्यूसर का इक्विलिब्रियम कब आता है, जब उसका प्रॉफिट मैक्सिमम होगा। तो माइंड में हमेशा ये बात याद रखिएगा कि मैं प्रोड्यूसर हूं और मेरा मोटिव है टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट, और मैं सिर्फ प्रॉफिट के ऊपर कंसंट्रेट करूंगा, तो जाकर के आपको सप्लाई के कंसेप्ट सारे समझ में आएंगे। आगे अभी नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिटरमिनेंट्स ऑफ सप्लाई आएंगे, तो वहां पर भी आपको समझ में आना चाहिए कि हाँ भाई, कि कौन से पॉइंट के चेंज होने से सप्लाई के अंदर क्यों चेंज आता है या क्वांटिटी सप्लाइड में क्यों चेंज आता है। हमारे पीछे, हमारे जो माइंड के बैक में हमें ये बात रखनी है कि भाई मुझे सिर्फ प्रॉफिट के लिए काम करना है, बिकॉज आई एम अ रैशनल प्रोड्यूसर, मैं अपने आप में एक रैशनल प्रोड्यूसर हूं। तो बीइंग अ रैशनल प्रोड्यूसर, मैं सिर्फ क्या करूंगा, प्रॉफिट के लिए वर्क करूंगा। एनीवे, अब आइए बात करें हम सप्लाई की। तो देखिए, जैसे हमने डिमांड पढ़ा था, तो डिमांड के अंदर मैंने आपको बताया था कि कुछ चीजें डिमांड की कॉन्स्टिट्यूएंट्स होती हैं।
कॉन्स्टिट्यूएंट्स होती है, मींस वो चीजें मिल करके डिमांड को क्रिएट करती हैं। जैसे क्या क्या उसके अंदर हमने पढ़ा था डिमांड के अंदर, कि तीन चीजें होती हैं। एक तो आपके पास होना चाहिए डिजायर ऑफ द कमोडिटी, डिजायर टू कंज्यूम द कमोडिटी, कि मुझे ये स्पेसिफिक कमोडिटी को कंज्यूम करना है, तो पहले डिजायर। सेकेंड होता था आपका यहां पर विलिंगनेस टू बाय या विलिंगनेस टू पे, उसको पे करने के लिए विलिंग भी होना चाहिए, आपकी ख्वाहिश तो ठीक ही ठीक है, उसके बाद आप इतने ईगर हो गए आप उसको पे करने के लिए रेडी भी हो। और उसके बाद थर्ड होता था हमारा परचेजिंग पावर। फिर ये तीनों चीजें मिलाकर के एक स्पेसिफिक प्राइस पर वो बंदा क्या करता था, उस स्पेसिफिक कमोडिटी को परचेज करने जाता था। और जैसे ही वो परचेज करने के लिए बड़ा उसके शोरूम पर, उसकी शॉप के ऊपर, मीन्स उसने डिमांड क्रिएट कर दी। और डिमांड हमेशा फ्यूचर सेंस में होती थी। बस इसी के रेसिप्रोकल में हम सप्लाई की बात करते हैं, तो सप्लाई जो होता है यहां पर भी सबसे पहले प्रोड्यूसर की डिजायर होना चाहिए। और प्रोड्यूसर की डिजायर की बात इसलिए नहीं करते क्योंकि प्रोड्यूसर की तो हमेशा ही डिजायर होती है, क्योंकि उसका तो काम ही क्या है, उसको अपना भाई प्रोड्यूसर बना क्यों है, गुड्स को प्रोड्यूस करके मार्केट में सेल करने के लिए, तो वो तो चाहता है, उसकी डिजायर तो है कि वो क्या करे, ज्यादा से ज्यादा गुड्स प्रोड्यूस करके मार्केट में बेचे, ये उसकी डिजायर है। लेकिन हमेशा डिजायर जो होगी वो विलिंगनेस क्रिएट करेगी, ऐसा जरूरी नहीं है। मींस यहां पर विलिंगनेस टू सेल भी होना चाहिए, मींस वो रेडी हो, वो बेचने के लिए स्पेसिफिक प्रोडक्ट को रेडी हो। अब यहां परचेसिंग पावर तो आएगा नहीं, यहां सेलिंग पावर तो आप उसको ऐसे रेसिप्रोकल नहीं बनाए, ठीक है। विलिंगनेस टू सेल हो एट डिजायर्ड प्राइस, ठीक है, याद रखिएगा कि डिजायर्ड प्राइस पर बेचने के लिए रेडी हो, ठीक है। कभी कभी आप जाते हैं भाई प्रोड्यूसर, जैसे अगर बाय चांस आपने कभी ऐसा सुना होगा कि कोई प्रोड्यूसर के पास गए, मतलब कोई शॉपकीपर के पास मार्केट में आप गए, तो उसने उसको एक कमोडिटी की सेलिंग प्राइस बताई कि भाई इसकी सेलिंग प्राइस 500 रुपए, ठीक है। आपने बोला कि भाई, आपने बार्गेनिंग करना स्टार्ट की कि भैया इसको कम करो, तो आपने कहा कि भाई मैं आपको इसके 400 रुपए दूंगा, ठीक है। तो वो आपको बोलेगा कि नहीं मैडम, या नहीं सर, इतने में नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि वो इतनी प्राइस के ऊपर सेल करने के लिए विलिंग नहीं है। और देखिए विलिंग क्यों नहीं है, क्योंकि उसको डिजायर्ड आउटकम नहीं मिल रहा है, डिजायर्ड प्रॉफिट उसको वहां से नहीं मिल रहा। मैंने आपसे क्या कहा, बैक ऑफ द माइंड में ये बात जरूर याद रखिएगा कि आप प्रॉफिट के लिए काम कर रहे हैं, आप रैशनल प्रोड्यूसर हैं, तो बैठा क्यों है, डिजायर क्यों है, उसकी डिजायर है तभी तो आकर के वो शॉप पर बैठा है, तभी अपने बिजनेस पॉइंट पर आकर बैठा है। लेकिन आप ये चाहो कि 500 का प्रोडक्ट वो 400 में बेच दे, तो वो विलिंग नहीं है, नहीं होगा, वो बोलेगा नहीं बेचना मुझे, मना कर देगा। तो ये विलिंगनेस है। आपने बोला कि ठीक है भैया, अब मैं इसकी प्राइस बढ़ा करके 450 कर देता हूं, हो सकता है शायद वो इसमें भी विलिंग नहीं हो, उसको प्रॉफिट नहीं मिल रहा हो, तो उसने भी मना कर दिया, ठीक है, 450 को उसकी कॉस्ट थी। फिर आपने कहा कि ठीक है मैं आपको 480 रुपीज देने को रेडी हूं, ठीक है। अब वो उसने 500 बताए थे, हो सकता है वो बोले कि ठीक है 480 रुपीज में ले जाओ। अब 480 रुपया वो प्राइस है जिस पर आकर के वो बंदा विलिंग है आपको प्रोडक्ट बेचने के लिए रेडी है। तो एक स्पेसिफिक प्राइस के ऊपर जब बंदा विलिंग हो जाए पे कर अपना प्रोडक्ट को सेल करने के लिए, तो वो कहलाती है हमारी सप्लाई, तब क्रिएट होती है हमारी सप्लाई। और सप्लाई के क्रिएशन के पीछे वही सेम टू सेम कंसेप्ट है, एट स्पेसिफिक प्राइस फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है, पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के लिए भी होना चाहिए। इसमें याद रखिएगा, मैक्रो इकोनॉमिक्स में आगे आप पढ़ेंगे तो दो कंसेप्ट होते हैं, स्टॉक कंसेप्ट एंड फ्लो कंसेप्ट, मेरे डेडिकेटेड लेक्चर्स हैं, आप चाहें तो देख सकते हैं उनको। तो ये जो डिमांड और सप्लाई होती है, बोथ ऑफ दीज आर द फ्लो कंसेप्ट। फ्लो कंसेप्ट मीन्स एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में मेजर की जाती है, एक स्पेसिफिक डे पर मेजर नहीं की जाती। दो हम सप्लाई देखेंगे, जैसे एक मंथ की सप्लाई, एक दिन की सप्लाई, 10 दिन की सप्लाई, एक वीक की सप्लाई, एक साल की सप्लाई, इस तरह से हम उसके अंदर देखते हैं, ठीक फाइन। तो कहने का मीनिंग ये कि बंदे की सप्लाई तब क्रिएट होगी जब उसकी डिजायर हो, डिजायर तो होगी क्योंकि वो प्रोड्यूसर है, शॉप पर आकर बैठ गया, डिजायर है। विलिंगनेस टू सेल मींस वो बेचने की इच्छा रखता हो, बेचने की ख्वाहिश रखता हो कि हाँ ठीक है मैं इस रेट के ऊपर आपको प्रोडक्ट को सेल कर दूंगा। हमेशा जो प्रोडक्ट सेल, ये तो मैंने आपको एग्जांपल दिया उसके अंदर, ठीक है। कभी, और याद रखिएगा, हमेशा विलिंगनेस टू सेल बंदे की तभी होगी जब उसको सेलिंग प्राइस हायर मिलेगी, ठीक है। और जब उसको सेलिंग, जब ज्यादा सेलिंग प्राइस मिलेगी तो वो ज्यादा विलिंग होगा सेल करने के लिए, और जब सेलिंग प्राइस कम मिलेगी तो नेचुरली वो कम विलिंग होगा सेल करने। क्यों? जैसे मैं आपको बताता हूं कि बाय चांस मान लीजिए कि उसके प्रोडक्ट है जिसकी कॉस्ट प्राइस है मान लो 450 रुपए, 450 इसी में लेते हैं, और उसने सेलिंग प्राइस बताई एक 500 रुपए की। अब उसके पास मान लीजिए एक ही कमोडिटी,
ठीक है, एक कमोडिटी, एक ही लास्ट यूनिट रह गई उसके पास, एक कस्टमर बोलता है कि भाई मैं आपको 400 470 रुपीज दूंगा, और दूसरा कस्टमर आया उसने बोला कि मैं आपको 490 रुपए में खरीदने के लिए रेडी हूं, तो नेचुरली बंदा किसको बेचने के लिए विलिंग होगा, जहां से उसको ज्यादा सेलिंग प्राइस मिलेगी। ठीक है, तो प्रोड्यूसर जो होता है वो हमेशा प्रॉफिट के पीछे भागता है, और प्रॉफिट हमेशा उसकी सेलिंग प्राइस के अंदर छुपा हुआ होता है, तो जहां उसको ज्यादा सेलिंग प्राइस मिलेगी तो नेचुरली वो वहां पर बेचने के लिए ज्यादा विलिंग होगा, कम सेलिंग प्राइस के ऊपर कम विलिंग होगा उसमें। और याद रखिएगा फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, एक खास स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, मंथली ईयरली क्वार्टरली या वीकली, इस तरह से हम उसका मेजरमेंट करते हैं। तो ये हमारा कंसेप्ट होता है सप्लाई का। और देखिए सप्लाई भी तब तक ही होगी जब तक आप प्रोडक्ट को हैंड ओवर नहीं कर देते, जैसे ही आपने प्रोडक्ट को मार्केट में सेल किया आपकी सप्लाई होगी, जैसे आप डिमांड तब कब तक है, जब तक आप उस प्रोडक्ट को परचेस नहीं कर लेते, जैसे ही आपने प्रोडक्ट को परचेस किया आपकी डिमांड सैटिस्फाइड, इसी तरह से जैसे ही आपने प्रोडक्ट को सेल किया उसकी सामने वाले प्रोड्यूसर की सप्लाई सैटिस्फाइड। एक प्रोडक्ट को जब बेच देते हैं हम, उससे ओनरशिप चेंज हो जाती है, वहां पर डिमांड भी खत्म हो जाएगी और साथ में सप्लाई भी खत्म हो जाएगी। डिमांड तब तक है जब तक गुड्स आपने कंज्यूम नहीं की, सप्लाई तब तक है जब तक गुड्स आपने सेल नहीं की। तो ये हमारा बेसिक कांसेप्ट है सप्लाई करके, सप्लाई का एक्चुअली मीनिंग क्या होता है, और आई होप आपको ये सप्लाई का कांसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अच्छा देखिए आगे मैं बढ़ने से पहले आपको दो चीजों के बीच में डिफरेंस बता दूं, एक कंसेप्ट होता है हमारा सप्लाई का और एक कंसेप्ट होता है स्टॉक का। ठीक है, याद रखिएगा इकोनॉमिक्स में एक कंसेप्ट है सप्लाई और एक कंसेप्ट है स्टॉक। जो सप्लाई है तो ये अपने आप में एक फ्लो वेरिएबल है, और स्टॉक जो है ये अपने आप में स्टॉक वेरिएबल है, नाम से लग रहा हो तो स्टॉक वेरिएबल है। ठीक है, फ्लो वेरिएबल का मीनिंग होता है जो पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में मेजर होता है, पीरियड ऑफ टाइम में मेजर होगा, और ये पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर मेजर होगा, एक खास दिन पर। ठीक है, पीरियड ऑफ टाइम जिसे हम बोले इसके अंदर मंथली, एक मंथ में कितनी सप्लाई की साहब, ईयरली हुआ, क्वार्टरली हुआ, वीकली हुआ, ये सब चीजें इसमें क्या हो जाती हैं, पीरियड ऑफ टाइम हो जाती हैं, फ्लो वेरिएबल कहलाती हैं। और पॉइंट ऑफ टाइम पर एट अ स्पेसिफिक डे, किसी भी खास दिन पर, आज के दिन, ठीक है, कल के दिन, 31 मार्च को, 31 दिसंबर को, 30th जून को, व्हाटएवर डे इट इज। ठीक है, तो एक फ्लो, एक सप्लाई कंसेप्ट है और एक स्टॉक कंसेप्ट है, दोनों से आप एक दूसरे से कंफ्यूज ना हो। सप्लाई जिसमें विलिंग होगा सेल करने के लिए, और स्टॉक जो आपके पास रखा है, पूरा स्टॉक हमेशा सप्लाई बनेगा ऐसा भी जरूरी नहीं है। लेट सपोज किसी एक प्रोड्यूसर के पास में, हम ये मान लें कि उसने 1000 यूनिट परचेस की है मार्केट में रीसेल के लिए एट द रेट ₹450, वही एग्जांपल जो मैं भी दे रहा था उसी को लेता हूं, 450 रुपए में, और उसने बोला है कि भाई मैं इसको बेचूंगा, सेलिंग प्राइस लूंगा मार्केट से 500 रुपए। ठीक है, अब इसने 450 में खरीद लिया और इसको किसी ने कहा कि भाई देख इसकी प्राइसेस मार्केट में बढ़ने वाली हैं और ये प्रोडक्ट अच्छा महंगा बिकेगा, ठीक है, तो इसको एक साथ मत बेच देना, इसको थोड़ा थोड़ा करके इसमें सेल करना। उसने बोला ठीक है मैं थोड़ा सा इसमें, अब इसने 500 रुपए की प्राइस बताई, लेकिन इसने टारगेट बना रखा है कि मैं, या चलो चलो 500 रुपए की प्राइस बताई, और आज के दिन पर मान लो पिछले एक, या आज के दिन में इसकी मान लो 40 यूनिट सेल हो गई एट द रेट ₹500। तो अब देखिए स्टॉक में कितनी यूनिट रह गई, इसके पास 960 यूनिट रह गई। अब ये 960 यूनिट बेचने के लिए है लेकिन बेची नहीं है, ठीक है, इसकी सप्लाई ये बिलिंग नहीं था, या हो सकता है इसके पास डिमांड आ रही हो पूरी की पूरी यूनिट के, लेकिन इसको लग रहा है कि भाई कल को प्राइसेस बढ़ जाएंगी, तो इसने बोला कि भाई अभी इस प्रोडक्ट को बेचूंगा। तो जो प्रोडक्ट आपके पास रखा हुआ है जो अभी तक सेल नहीं हुआ, दैट इज स्टॉक, उसको हम स्टॉक बोलते हैं, स्पेसिफिक डे पर जो मेजरेबल हो जाए, और जो मार्केट में आप सेल करने के लिए विलिंग है जिसको इस स्पेसिफिक प्राइस पर, दैट इज व्हाट सप्लाई। अब उसके बाद आपको मालूम पड़ा कि दो नेक्स्ट डे प्राइसेस बढ़कर 520 हो गई, तो मैंने क्या कहा था, प्रोड्यूसर तो भागता ही किसके पीछे, प्रॉफिट के पीछे, खरीदा 450 में था, कल उसको 500 में बेचा तो 50 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा था, आज उसने 520 में बेचा उसका 70 का प्रॉफिट हो रहा है। बट इसको मार्केट का नॉलेज ये बोलता है कि कल को प्राइसेस और बढ़ेंगी, तो उसने बोला भाई मैं प्रोडक्ट बेचूंगा लेकिन इतना नहीं बेचूंगा, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 100 यूनिट इस रेट के ऊपर मैं बेच दूंगा। अब मान लो उस दिन उसके पास, उसने 100 का टारगेट बनाया और 150 यूनिट के लिए कस्टमर आया, लेकिन उसने मना कर दिया क्योंकि वो विलिंग नहीं था। देखिए मैं फिर बोल रहा हूं, वो विलिंग नहीं था, उसने 100 यूनिट का टारगेट बनाया था, 100 यूनिट 520 रुपीस से उसने मार्केट में सेल कर दी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट डे अगर प्राइस बढ़ करके 600 हो गई,
तो उसको लग रहा है कि भाई प्राइसेस और आगे बढ़ेंगी, ठीक है। तो उसने क्या किया, उसने सोचा कि मैं बहुत से बहुत 300 यूनिट्स का टारगेट लेकर के चलता हूं, ठीक है, और 300 यूनिट मान लीजिए कि उसने सेल भी कर दी। अब देखिए उसके पास यहां पर कितनी बची थी, 860 बची थी, 300 और गई, तो अभी कितनी बच रही है उसके पास, 560। अभी 600 यूनिट पर पहुंच गया, विलिंग था, उसने बेच दी, सारी नहीं बेची, और डिमांड आ रही थी, लेकिन उसने उस प्रोडक्ट, उसने शाम को बोर्ड लगा दिया और प्रोडक्ट सोल्ड, ठीक है, मींस नो स्टॉक, अब उसके पास कोई भी प्रोडक्ट बचा नहीं। नेक्स्ट डे उसको लग रहा है कि भैया प्राइसेस इससे ज्यादा बढ़ेंगी नहीं, ठीक है, हो सकता है प्राइसेस डाउन हो जाए, प्राइसेस डाउन होंगी तो नेचुरली उसका प्रॉफिट का लॉस होगा। तो उसने बोला कि नेक्स्ट डे में, जैसे अगर मान लो नेक्स्ट डे प्राइसेस बढ़कर के 625 हो गई, बोला अब इससे ज्यादा प्राइसेस नहीं बढ़ेंगी, जितनी ज्यादा से ज्यादा यूनिट आप मार्केट में सेल कर सकते हो कर दो, ठीक है। बोले डिमांड तो खूब आ रही है, मतलब पूरी की पूरी 560 यूनिट एक दिन में बेच दूंगा। तो वो अब यहां पर बिलिंग है एट द रेट ₹625 पर मार्केट में प्रोडक्ट को सेल करने के लिए। तो जो वो बिलिंग है बेचने के लिए एक स्पेसिफिक प्राइस के ऊपर, तो वो आपकी सप्लाई होगी, और जो उसके पास रखा हुआ है जो अनसोल्ड है वो क्या कहलाएगा, आपका स्टॉक कहलाएगा। तो एक फ्लो कंसेप्ट है, एक स्टॉक कंसेप्ट है, एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम पर, मंथ में, क्वार्टरली, डे, इस तरह से हम यूज करते हैं, और ये एक स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम पर, एक खास दिन पर, एक खास पॉइंट ऑफ टाइम पर मेजर होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे डिफरेंट डिटरमिनेंट्स ऑफ सप्लाई एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ सप्लाई, सप्लाई शेड्यूल, सप्लाई कर्व, इंडिविजुअल सप्लाई, मार्केट सप्लाई एक्सेट्रा। आई होप आपको ये लेक्चर के अंदर कोई डाउट नहीं होगा। स्टिल अगर कोई क्वेरी या डाउट लगती है तो कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है, जब चाहे आप उसमें क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जितनी जल्दी होगा पढ़कर रिप्लाई करने का ट्राई करूंगा। और एक बार फिर से आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगता है, नॉलेजेबल लगता है, तो इसे अपने फ्रेंड्स, क्लासमेट्स, कलीग्स के साथ में शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दिस इज नजीब हाशमी साइनिंग ऑफ फ्रॉम नजीब हाशमी एकेडमी। थैंक यू।